नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड स्पेशल का। रुद्रपुर के अटरिया मंदिर में लगने वाले 23 दिन के मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने मंदिर समिति के सदस्यों को कोविड से जुड़ी जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के चलते मेले में ग्रहण लग गया था, लेकिन इस साल मंदिर समिति की ओर से अटरिया मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यह मेला 20 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेगा। वहीं SDM ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच किए जाने की बात कही है। कोविड को देखते हुए ऐसा सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि मेला जो है वो बहुत सांकेतिक और सूक्ष्म रूप में किया जाए, ताकि एक जो धर्म और आस्था का प्रश्न है वो तो बना ही रहे अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ लोगों की और जनमानस की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इस संदर्भ में आज हमने और CO साहब ने, RTO, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ एक विजिट रखी थी, ताकि जो ये आने वाला जो मेला है इसको इस तरीके से कंडक्ट किया जाए ताकि कोविड की जो सावधानियां उनको भी बरता जाए और एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस मेले को कंडक्ट किया जाए। उत्तराखंड महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए आज से 15 अप्रैल तक लागू किए गए नए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत नजीबाबाद, मुरादाबाद, मेरठ और दिल्ली जाने वाले वाहनों को पौड़ी जिले से होकर गुजरना होगा। इस दौरान यात्रियों को 15 अप्रैल तक इसी रास्ते से आवाजाही करनी पड़ेगी। वहीं जिले में हैवी ट्रैफिक से जाम की स्थिति नहीं बनने के लिए यात्रा रूट पर जगह जगह पुलिस की टीम तैनात की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने भी 15 अप्रैल तक पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाओं को संभालने के निर्देश दिए हैं। कुंभ के दृष्टिगत जो है जो महत्वपूर्ण जो यात्रा मार्ग हैं वहाँ पर यात्रियों के लिए और कुंभ के जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए अधिक व्यवस्था बनाने के पर्पस से डायवर्जन कार्रवाई किया गया है। इसमें जो प्रमुख से जो मार्ग हरिद्वार से होकर गुजरते हैं उन्हीं मार्गों पर हम लोगों ने डायवर्जन का प्रक्रिया अपनाया हुआ है। प्रमुखता से हमारा जो है ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचने का जो मार्ग है उसको डाइवर्ट किया गया है। समस्त सूचनाएँ जो है हम लोगों ने प्रमुख मार्गों पर आवश्यक जो चौराहे होंगे वहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। साथ में उसकी सूचना अखबार के माध्यम से भी पुलिस विभाग द्वारा जारी की जा रही है। सूचना उसकी संबंधित व्यक्ति तक पहुँच जाएगी, ऐसा हम लोग उसका अपेक्षा कर रहे हैं। साथ में सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और मीडिया के प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना हमारे सूचना विभाग के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। हरिद्वार में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। दरअसल बीते दिन हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो गया है, बावजूद इसके कुंभ में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बराबर बना हुआ है। इस दौरान सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर ही रैंडम सैंपलिंग और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात कर दिया है। साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को जांच के बाद ही प्रवेश दिए जाने की बात कही है। जिसके पास RT-PCR की रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन होगा उत्तराखंड कुंभ मेला में उसको ही एंट्री कराई जा रही है, बाकी लोगों को वापस भेजा जाए। लोकल के लिए लोकल की ID देखकर और एंटीजन रिपोर्ट देखकर उसे तब भेजा जा रहा है, उसको रिटर्न करेगा। यहाँ से ऑर्डर चले जाएंगे अगर CMO के पास हो वहाँ पर क्वारंटाइन हो जाएगा, जो भी कोई आया उसको साथ ले जाकर वापस करेगा, जो नेगेटिव है उसको आगे जाने। देहरादून के डोईवाला में महिला कांग्रेस की ओर से महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष आरती वर्मा ने बताया कि कांग्रेस की ओर से पहले भी उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो समाज में सराहनीय काम करने के साथ साथ अपने परिवार को भी सहयोग कर रही है। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजीव खत्री ने कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने की बात कही है। जो नवनियुक्त अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष, उनकी तरफ से महिला सम्मान समारोह किया गया है, क्योंकि जो हमारी नवनियुक्त वो है जिला शहर अध्यक्ष है उनके अंदर जोश था कि हम महिलाओं को भी कुछ करें। आज उस कड़ी को पिरोते हुए उन्होंने आज पहला कार्यक्रम है महिला सम्मान समारोह, और आगे वो महिलाओं के लिए तरह तरह के एक्टिविटीज़ करेंगी, जैसे कि कोई रोज़गार हो इस तरह की ट्रेनिंग्स उनको देंगी, या जैसे कई अशिक्षित हैं महिलाएं उनको शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे करने वाली हैं। हमारी शहर अध्यक्ष काफ़ी जुझारू हैं। 50-60 महिलाओं को सम्मानित किया, और ये वही महिला हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, और हम इनको इंस्पायर कर रहे हैं कि जिस तरह आज तक आप काम करती आई हैं आगे भी हार ना माने और बढ़ चढ़ कर अपनी ज़िंदगी में हिस्सा ले, किसी काम से ना डरें बल्कि अपना बेस्ट दें, अपने जीवन में जो भी करें पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ करें।
पिथौरागढ़ में निजी विद्यालयों की ओर से फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी विद्यालय अपनी मनमानी करते हुए लगातार फीस बढ़ा रहा है। वहीं अब कार्यकर्ताओं ने बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग की है, साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज जो शिकायत हमें यहाँ पर को मिली है, अभिभावक जो है कि हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से शुल्क वृद्धि जो है कि निजी विद्यालय द्वारा की जा रही है। मेंटेनेंस के नाम पे जो है कि 2000 शुल्क वसूला जा रहा है, प्रति माह जो है कि 200 से 300 रुपए जो है कि विद्यालय द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे कोरोना काल में जहाँ जो है कि सबकी कमर टूटी हुई है, ऐसे समय में विद्यालयों द्वारा ऐसे शुल्क वृद्धि करना कतई भी बर्दाश्त के बाहर है और इसके खिलाफ जो है कि हम सड़कों पर उतरेंगे यदि जल्द से जल्द शुल्क वृद्धि वापस नहीं ली जाती है। फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रेनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वाट की लाइट्स में 6000 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंडेक्स होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।